स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में जो है हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसके हो गए हैं, वो सारे डिस्कस किए थे। अब एक और लाइक डिसऑर्डर है आप लोग कहे इसे, बट ये एक ऐसी चीज है जिसे हम जब तक लाइक अंडर एज हो 5 ईयर्स तक, तब जाके जो है ना हम इसका नेम देते हैं, जिसे हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस जो है हम उन इंडिविजुअल के लिए रिजर्व करते हैं जो कि अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स हो। ठीक है, और उस टाइम क्या हो, क्लिनिकल सीवियरिटी लेवल जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिलायबली असेस्ड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अंडर 5 ईयर्स हो और उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल सीवियरिटी लेवल को रिलायबली असेस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, दिस कैटेगरी इज डायग्नोज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन को जानते हैं? नो सर, डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है उसे कहते हैं, लाइक बच्चे की जो है ना एक एज होती है जिसमें जो है ना वो एक फंक्शन अचीव करता है। फॉर एग्जांपल 10 महीने तक पहुंच के जो है ना वो बातें करना स्टार्ट कर लेता है, बातें इन द सेंस मीन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करना स्टार्ट कर लेता है। फिर 1 साल का हो जाता है तो क्रॉलिंग स्टार्ट कर लेता है, चलना स्टार्ट कर लेता है। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है। ठीक है, जो कि वो अपनी एज के रिलेटेड अचीव कर रहा होता है। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है, दिस कैटेगरी इज डायग्नोज व्हेन इन एन इंडिविजुअल फेल्स, ठीक है, टू मीट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन सेवरल एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ठीक है, ये एरिया हम तब भी जाके डायग्नोज करते हैं जब एक बच्चा मीट नहीं कर पाता एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को इन सेवरल एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स हु आर अनएबल टू अंडरगो सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। और हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले उसके लिए भी यूज करते हैं जब बच्चा जो है वो सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए, हम उनकी जो सिस्टमेटिक असेसमेंट होती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यू टू सम फैक्टर्स और रीजनिंग, तब भी जाके जो है हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का वो डायग्नोसिस जाके दे देते हैं। दिस आल्सो इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु आर टू यंग टू पार्टिसिपेट इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। ठीक है, दिस आल्सो इंक्लूड दोज चिल्ड्रन जो कि बहुत ज्यादा यंग होते हैं, छोटे होते हैं, किस चीज के लिए, टू पार्टिसिपेट इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फॉर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये पॉइंट है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जब आप ये डायग्नोसिस एक बच्चे को दे तो उसकी रीअसेसमेंट की जरूरत होती है विद टाइम टू टाइम। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले की समझ आई है यस सर, सबको जो जो ऑनलाइन है? जी सर, ओके, इसके बाद है अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये कैटेगरी जो है हम जाके तब देते हैं जब इंडिविजुअल जो बच्चा हो वो ओवर द एज ऑफ 5 ईयर्स हो। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले क्या था, अंडर द एज ऑफ 5 साल से कम। अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डायग्नोसिस हम तब जाके देखे हैं जब बच्चा 5 ईयर से ज्यादा हो। व्हेन असेसमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बाय मीन्स ऑफ लोकली अवेलेबल प्रोसीजर इज रेंडर्ड डिफिकल्ट। ठीक है, ये डायग्नोसिस एक कुछ वो रीजंस होती है जिसके बेस पे हम ये डायग्नोसिस जाके देते हैं। तो एक रीजन तो ये हुई कि जब असेसमेंट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, वो किसी वजह से जो है ना हमें करने में डिफिकल्टी आ रही हो और हमें लग रहा हो कि हमें शक हो कि इस बंदे को इंटेलेक्चुअली वो है, कमजोरी है,
are impossible. Difficulty or impossible because of associated sensory or physical impairment. जब हमें लगे कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के असेसमेंट जब हम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमें मुश्किल आ रहा है, किस चीज़ की वजह से? सेंसरी और फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से, ब्लाइंडनेस और डेफनेस की वजह से, ठीक है, जो कान और आंखों पे मंजूर हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो चलने फिरने में मसला जिन्हें आ रहा हो, एंड presence of severe problems behavior or co-occurring mental disorder like autism spectrum की आप example ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम फिर कौन से category use करेंगे? वहाँ पे फिर हम unspecified intellectual disability, क्योंकि आपको intellectual disability के symptoms नजर आएंगे, but इन problem की वजह से जो है ना आप सही तरीके से उस बच्चे की intellectual disability के assessment नहीं कर सकेंगे, ठीक है? This category should only be used in exceptional circumstances, circumstances means situation, and it also requires reassessment after a period of time. क्यों? क्योंकि आपने एक proper diagnosis देनी होगी फिर, ठीक है? Clear है? Yes sir. अच्छा, अब आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी खत्म हो गई है, अब आते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की तरफ से, ठीक है? अच्छा, ये चीजें याद रखें, ये जो स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है ना, तो स्पीच के अलग से डिसऑर्डर है, लैंग्वेज के अलग से है, एंड कम्युनिकेशन के अलग से है, तो आपने जब हम पढ़ेंगे आगे लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन जो कि कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, तो उसमें आपने फिर मिक्सअप नहीं करना, ठीक है? तो स्पीच यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज को जाने की क्या चीज है, फिर वहाँ पे क्राइटेरिया है ओनली, ठीक है, क्राइटेरिया हम फिर जाके पढ़ेंगे. अच्छा, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इंक्लूड डिफिसिट्स कैसे कहते हैं? कमी हाँ, शॉर्टेज या जिस चीज की जरूरत, हाँ, प्रॉब्लम आप लोग लाइक ज्यादा वो होगा डिफिसिट्स वर्ड के लिए, ठीक है? अच्छा, अब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में जो है ना वो सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि वो हो डिफिसिट्स हो इन लैंग्वेज स्पीच एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? अच्छा, अब स्पीच क्या है? स्पीच है एक्सप्रेसिव प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इंक्लूड एंड अब साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड तो कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट इसमें कौन सी चीज है? आर्टिकुलेशन है. आर्टिकुलेशन किसे कहते हैं, कुछ पता है? आर्ट्स को सर? नो सर. आर्टिकुलेशन जो है ना बेसिकली योर प्रोनाउंसिएशन, हम कैसे एक अल्फाज को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? तो सर सिंपल वर्ड्स लिखे ना सेंटेंस, तो ये वो है, ये वो साइकोलॉजिकल है ना, अब सिंपल वर्ड्स ये तो डीएसएम में भी यही लिखे हुए हैं. अच्छा, फ्लुएंसी हमारी जो अल्फाज एक्सेंट, ठीक है. अच्छा, वॉइस हो गया है, एंड रेजोनेंस क्वालिटी, तो ये कौन सी चीज में आपके आ जाती है? ये स्पीच में आती है, ठीक है, एक्सप्रेसिव प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जिसमें आपके पास आर्टिकुलेशन आ जाता है, हमारी फ्लुएंसी आ जाती है, हमारा वॉइस आ जाता है आवाज, एंड हमारी रेजोनेंस क्वालिटी आ जाती है, ठीक है. फिर इसके बाद है लैंग्वेज. लैंग्वेज में है टू फॉर्म फंक्शन एंड यूज ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिंबल्स. कन्वेंशनल सिस्टम वो होता है जो आपका लोकली यूज हो रहा होता है, ठीक है. कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिंबल्स मीन आपके लोकली आपके कन्वे करना, कन्वेंशनल, ठीक है, हाँ, लेकिन कन्वे करना आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, जो लैंग्वेज आपके इर्द गिर्द यूज हो रहा है, वो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिंबल्स होगा, ठीक है. तो लैंग्वेज में कौन सी चीजें आ जाती है? आप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, आप फंक्शन करने की कोशिश करते हैं, एंड आप
use of conventional system of symbols को करते हैं ठीक है in a rule governed manner for communication ठीक है rule governed manner mean जिस society या जिस culture में आप रह रहे हैं और जिस culture में आप दूसरे लोगों की language को understand कर रहे हैं वो rule governed manner होगा ठीक है लाइक दूसरे लोग आपको समझ रहे हैं आप दूसरे लोग को समझ रहे हैं ये रूल गवर्न मैनर फॉर कम्युनिकेशन है ठीक है तो लैंग्वेज क्या है फॉर्मिंग फंक्शन एंड यूज ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिंबल ठीक है तो इसमें आपके पास आ जाते हैं स्पोकन वर्ड्स आ जाते हैं ठीक है मीन जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं साइन लैंग्वेज आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिटन वर्ड्स आ जाते हैं ठीक है और पिक्चर्स आ जाते हैं पिक्चर्स को देख के अंडरस्टैंड करना ठीक है अब इसके बाद है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ठीक है ये कम्युनिकेशन इंटेंशनल भी हो सकते हैं अनइंटेंशनल भी हो सकता है ठीक है और कम्युनिकेशन विच इज वर्बल एंड नॉन वर्बल इट can both influence both things influence whether intentional or unintentional they affect our behavior our ideas our attitudes apne bhi aur jo samne wala individual hota hai uski bhi theek hai acha ab yahan pe kya hai jab ye to normal cheeze thi humne pad li iske related ab aage jaake डिसऑर्डर्स पड़ेंगे बीमारी जो है कम्युनिकेशन की अब ये है कि इसकी असेसमेंट भी होती है स्पीच के लैंग्वेज के एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज के ठीक है बट ड्यूरिंग असेसमेंट हमने मस्ट एक चीज़ को अपने सामने रखना होता है वो है इंडिविजुअल का कल्चर और उसका लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ठीक है स्पेशली इफ एक इंडिविजुअल ग्रो अप हुआ हो bilingual environment communication वो होता है जो कि जिस दो तरह की languages में जो है ना जिसने अपनी life गुजारी हो ठीक है तो assessment के दौरान हमने दो important चीज़ों को अपने सामने रखना होता है एक individual का culture और एक language context क्योंकि हमने ये भी देखना होता है ना क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अगर लोग हैं वो दूसरी जुबान के लैंग्वेज बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल आप फैसल को ले लें फैसल को जो है ना वो फारसी आती है ठीक है या हमीद को और हम इनके कल्चर में हैं ये सारे लोग फारसी बोल रहे हैं और हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही हम बोल नहीं सकते तो मैं अपने आप को स्पीच साउंड डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ उस टाइम में डायग्नोस नहीं कर सकता ठीक है तो ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आपने कल्चरल एंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट मस्ट अपने सामने रखने होते हैं ठीक है अच्छा अब इसके बाद क्या कहते हैं द स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ऑफ Non-verbal intelligence capacity must be relevant for the culture and linguistic group. ठीक है अब जो टेस्ट आप अपने क्लाइंट पे अप्लाई करना चाहते हैं जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के साथ आपके पास आया हो वो स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट क्या है जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आप यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मस्ट उस इंडिविजुअल के कल्चर के रेलिवेंट भी होने चाहिए और जिस ग्रुप में वो रह रहा है उसके लिंग्विस्टिक ग्रुप के रिलेटेड भी होना चाहिए मीन जिस जुबान की बात हो रही है ठीक है दैट इज टेस्ट डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइज फॉर वन ग्रुप मे नॉट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नाउंस फॉर अ डिफरेंट ग्रुप ठीक है क्योंकि अब अगर अमेरिका में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के लिए एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट डिवेलप हुआ है तो मे बी दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द पीपल लिविंग हियर इन पेशावर ठीक है तो इन चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना होगा अच्छा अब आते हैं अच्छा लास्ट पॉइंट है द इंट्रोडक्शन का फिर उसके बाद लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं अच्छा अब यहाँ पे है
The diagnostic category of communication disorder includes the following: language disorder, speech sound disorder है, childhood onset fluency disorder है, and social pragmatic or communication disorder है, ठीक है? और other specified and unspecified communication disorder है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको intellectual disability का समझाया है, बिल्कुल same उसी तरह ये भी है, ठीक है? अच्छा, मैं ये थोड़ा सा ठीक करूँ. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था मैं लिखूं. अच्छा, अच्छा स्लाइड नजर सही आ रहे हैं, वर्ड्स वगैरह? यस सर. अच्छा, फर्स्ट वन इसमें जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है? लैंग्वेज का मैंने आपको समझाया है कि लैंग्वेज में हम बेसिकली क्या करते हैं, सेंटेंस को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस को फंक्शनल करने की कोशिश करते हैं, मीन दूसरों तक पहुंचाना, सेंटेंस बनाना, ठीक है? समझ आ रही है ना? सेंटेंस को बनाना, अपने वर्ड्स अल्फाज को जोड़ना, सेंटेंस को दूसरों तक फंक्शनल करना, पहुंचाना, एंड कि जो सिंबल्स होती है साथ, वो जाके दूसरों को अंडरस्टैंड करना, ये लैंग्वेज है, ठीक है? अब इनफॉर्म फॉर्मेशन और ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, एंड यूज ऑफ कन्वेंशन सिस्टम ऑफ सिंबल्स हो गया है. बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर में इन जगहों पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? अब फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? Persistent difficulty. Persistent कहते हैं continuous difficulty in the acquisition. Acquisition mean एक चीज को सीखना, gain करना, ठीक है? जैसे हम पुश्तो में कहते हैं इस डक रकॉर्ड, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हैं? आप acquisition कर रहे हैं, learning हो रही है आपकी, ठीक है? आप gain कर रहे हैं knowledge की DSM. तो आपकी क्या हो रही है? Acquisition of DSM-5 हो रही है, आप लर्न कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Persistent difficulty in the acquisition and use of language. आप जब लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं या वर्ड्स को गेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो है ना आपको डिफिकल्टी आ रही हो, एंड यूज ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस मोडेलिटीज. डिफरेंट मोडेलिटीज क्या है? डिफरेंट एरियाज की बात हो रही है. तो यूज ऑफ एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज में बेसिकली आपको कंटिन्यूस, जिसको ये बीमारी हो, कंटिन्यूस डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है अक्रॉस मोडेलिटीज, डिफरेंट मोडेलिटीज में, जिसमें आपका स्पोकन आ जाता है, ठीक है? आप जो है ना जब बोल रहे होते हैं, तो आप सही तरह अपने सेंटेंस की मीनिंग दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे होते. रिटन में आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है, साइन लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, एंड अदर, ठीक है? अच्छा, ड्यू टू डिफिसिट्स इन कम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन. अच्छा, इसके वजह से जो है ना डिफिसिट्स पे आ जाते हैं, किस चीज में? कम्प्रीहेंशन में एंड प्रोडक्शन में, जिसमें जो है ना आपके पास थ्री चीजें इफेक्ट होती है. फिर एक जो है आपकी वोकैबुलरी, जो है वोकैबुलरी को तो जानते हैं ना, जो इंग्लिश के, ठीक है? तो ये जो है ना क्या होता है, वोकैबुलरी में जो है ना रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिस बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर हो, या स्टार्ट से अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर हो तो उसकी वोकैबुलरी कभी डेवलप हो ही नहीं सकती, बस लिमिटेड रहती है, ठीक है? वोकैबुलरी ये देखे वर्ड नॉलेज एंड उन वर्ड्स का यूज करना, ठीक है, उसमें लिमिटेड रहती है, या अगर हो तो रिड्यूस हो जाती है. अच्छा, लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर. लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? अबिलिटी टू पुट वर्ड्स एंड वर्ड्स एंडिंग टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म सेंटेंस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है? लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? आप वर्ड्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए, और वो सेंटेंस आप किस चीज के बेस पे बनाते हैं? ऑन द बेस ऑफ ग्रामर एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है? थर्ड क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन
डिस्कोर्स, ठीक है। अच्छा डिस्कोर्स क्या है? इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट को जानते हैं? नहीं। इम्पेयरमेंट जो है ना प्रॉब्लम होती है, लाइक जिस तरह फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है। डिसेबिलिटी तो आप नहीं, नहीं, इम्पेयरमेंट एक ऐसी चीज है ना, एक मिनट में जो थोड़ा सा सोचने दे, क्योंकि तीन चीजें है ना, एक इम्पेयरमेंट है, एक डिसेबिलिटी है, और तीसरा देखिए इम्पेयरमेंट सर बनाना सर, एक इम्पेयरमेंट ऐसी चीज है ना जो कि आपकी नॉर्मल फंक्शन को स्लो डाउन करती है, बस ये याद रखें, ठीक है। डिसेबिलिटी तो जो है ना आपको बिल्कुल उस चीज से रोक देती है, बट इम्पेयरमेंट एक ऐसी चीज है कि आपकी उस फंक्शन को स्लो डाउन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या चीज है? एबिलिटी टू यूज वोकैबुलरी एंड कनेक्ट सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन अ टॉपिक। समझ आ रही है ना? डिस्कोर्स क्या है? उसमें आप उसमें आप वोकैबुलरी को यूज करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो वोकैबुलरी जब आपके माइंड में वर्ड्स बन जाते हैं, फिर आप सेंटेंसेस बन जाते हैं, फिर आप उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं टू एक्सप्लेन अ कन्वर्सेशन और अ सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली ये इन जगहों पे डिस्कोर्स में जो है इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप एक इवेंट को या एक कन्वर्सेशन को सही तरह कंटिन्यू नहीं रख सकते। क्राइटेरिया एक ही समझ आ गई है? अच्छा लैंग्वेज एबिलिटीज आर सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मीन सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट किससे कहते हैं, क्लियर जो हो, एंड क्वांटिफाइबली बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर एज, ठीक है, रिजल्टिंग इन फंक्शनल लिमिटेशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर एज, ठीक है, मतलब जो कम एज वाले एज होते हैं उनकी एक खास एज लिमिटेशन तक हम वेट कर रहे होते हैं, तब जाके हम डायग्नोस करते हैं। छोटी एज में जो है ना हम हमेशा डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते। अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, फंक्शन लिमिटेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्टार्ट हो जाती है, सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, और इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन, इन सारी एरियाज में जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, वेदर इंडिविजुअली हो या इन अ ग्रुप फॉर्म हो, इन चीजों में, इन एरियाज में जाके उस इंडिविजुअल की लिमिटेशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा ऑनसेट जो इस बीमारी का स्टार्ट है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, इस बीमारी की जो अलामत है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद है द डिफिकल्टीज आर नॉट एट्रिब्यूटेबल टू हियरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसफंक्शन और एनी और अनदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंटल, ठीक है। अच्छा अब जो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर ये हेयरिंग या और सेंसरी इम्पेयरमेंट की वजह से आ रही है या मोटर फंक्शन की वजह से आ रही है, तो उस टाइम पे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर की डायग्नोसिस हम नहीं देंगे, ठीक है। या ये मेडिकल कंडीशन की वजह से हुआ है या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हुआ है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर आ रहा है या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की वजह से, तो उस टाइम पे हम या इसकी वजह से अगर आ रहे हो तो हम फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर की वो नहीं देंगे डायग्नोसिस। बट इफ पूरा क्राइटेरिया मीट कर रहा हो तो हम
एक बीमारी के साथ फिर एडिशनल दूसरी बीमारी, दूसरा डायग्नोसिस लैंग्वेज डिसऑर्डर कर दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके रिस्क एंड प्रोग्नोसिस फैक्टर्स क्या है? रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट जो है वो है, रिसेप्टिव लैंग्वेज उसे कहते हैं जब हम दूसरों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि रिस्क एंड प्रोग्नोसिस फैक्टर के जो बच्चे रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं उनके जो प्रोग्नोसिस होते हैं, प्रोग्नोसिस मतलब उनकी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है एज कम्पेयर टू दोज जो कि एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं। एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट के साथ मतलब बोलने के साथ जो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो रिसेप्टिव लैंग्वेज वाले होते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब हम जब आप फॉर एग्जांपल आप मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ रहे हैं तो दिस इज बेसिकली योर रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ जाती है ना तो फिर इसकी रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। ये रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल रेजिस्टेंट है टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की वजह से बिल्कुल चेंज नहीं आती, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना फिर आप जब कुछ रीड भी कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो आपको जो है ना चीजों को अंडरस्टैंड करने में जो है ना काफी मुश्किल पेश आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजी क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर आर हाईली हेरिटेबल, मतलब जेनेटिकल है। फैमिली मेंबर्स आर मोर लाइकली टू हैव अ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो ज्यादातर जो है लैंग्वेज इम्पेयरमेंट वो जेनेटिक है, फ्रॉम फैमिली जो है वो ट्रांसफरेबल होती है। अच्छा, मैं जो है ना वो करता हूँ, ये दूसरा लिंक सेंड करता हूँ आपको, काइंडली वो थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। ये डिफरेंशियल डायग्राम्स एंड नॉर्मल वेरिएशन करते हैं, फिर मैं दूसरा लिंक आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑलरेडी आपको पता है कि हम किस चीज के लिए यूज करते हैं जब एक डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, बट क्यों? क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि एक डिसऑर्डर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो दूसरे डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक में भी प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड नो दैट हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दैट डिसऑर्डर। लाइक इनके दरमियान सेमनेस भी होती है और इनके दरमियान डिफरेंशिएशन भी होती है। तो हमारे लिए सेमनेस तो आपको ईजिली पता लग जाएगा, बट जो डिफरेंशिएशन है, कैसे डिफरेंशिएट करना है हमने, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज, जो नॉर्मल डिवेलपमेंट हमारे लैंग्वेज में हो रही हो और टाइम टू टाइम जो वेरिएशन चेंजेस आ रही हो तो हम कैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर को उससे चेंज करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स नीड टू बी डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश मीन डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉर्मल डिवेलपमेंट वेरिएशन, ठीक है। एंड दिस डिस्टिंक्शन मे बी डिफिकल्ट, distinction mean differentiation may be difficult to make before 4 years of age, ठीक है। language disorders को जो है ना basically जिस तरह मैंने आपको कहा है कि एक खास age होती है जिसके लिए हम wait कर रहे होते हैं और उस age तक जब बच्चा पहुंचता है तब जाके हम diagnosis करते हैं, ठीक है। तो हम language disorder and normal developmental variation को तब जाके differentiate करते हैं जब बच्चा 4 साल से बड़ा होना start हो, ठीक है। मतलब age 4 years से ज्यादा हो तब जाके हम differentiation की तलाश में होते हैं, ठीक है। Before 4 years it would be really hard to differentiate, ठीक है। Second, इसमें हमने जो है ना जो regional factor है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे social फैक्टर्स हो गई है और कल्चरल और एथनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। वो हम उस इन तीनों चीजों को जो है ना हमने मस्ट अपने सामने रखना होता है जब हम एक बच्चे को असेस कर रहे होते हैं लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर है ये डिफरेंशिएशन? यस सर। अच्छा, मैं जो है ना वो करता हूँ, लिंक सेंड करता हूँ, काइंडली जल्दी ज्वाइन करें।